Good morning, students. Welcome back to online classes of BBVN. In last class, we have completed the topic phylum Echinodermata. Echinodermata means kidney celled animals. Spine जो होते हैं अगर किसी skin पे या surface पे तो वो organism जो animals होते हैं it belongs to the Echinodermata. ठीक है, Echinodermata अपन ने पढ़ा था. Echinodermata के साथ में ही Echinodermata और उसके साथ में था Chordata, है ना? एक नया बॉडी डिजाइन है या फीचर जो है वो था नोटोकॉर्ड. क्या था? नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड क्या होती है? एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती है. ठीक है, जो नर्व टिश्यू को जो गट है एलिमेंट्री कैनाल उससे सेपरेट करती है. नोटोकॉर्ड क्या होती है? इट इज अ रोड लाइक स्ट्रक्चर ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड सेपरेटिंग द नर्व सिस्टम फ्रॉम द गट. गट क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल. नर्व सिस्टम अपन जानते ही है ना? नर्व टिश्यूज अपन ने पढ़े थे ना, तो वो नर्व सिस्टम बनाते हैं, नर्व टिश्यूज बनाते हैं. तो नर्व टिश्यूज को सेपरेट करती है गट से. जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको बोलते हैं गट. तो उससे वो डिफ्रेंशिएट करती है नर्व सिस्टम को. ऐसी स्ट्रक्चर जो होती है इट इज नोन एज नोटोकॉर्ड. ठीक है, और नोटोकॉर्ड जो होती है अगर किसी ऑर्गेनिज्म की ऑल स्टेजेस में प्रेजेंट होती है तो देन आर नोन एज कॉर्डेटा. अगर नोटोकॉर्ड किसी भी लाइफ साइकिल किसी भी स्टेज में प्रेजेंट होती है ना, तो वो होते हैं कॉर्डेटा. अगर पूरी कंप्लीट स्टेजेस में प्रेजेंट होते हैं तो वो कॉर्डेटा होते हैं, और कुछ स्टेजेस में ही प्रेजेंट होते हैं तो वो होते हैं प्रोटोकॉर्डेटा. ठीक है, कॉर्डेटा को फिर डिफ्रेंशिएट करा गया है प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा. प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा. ठीक है, इकाइनोडर्मेटा तक कंप्लीट हुआ, उसके बाद में है कॉर्डेटा. ठीक है, अपनी हेमिकॉर्डेटा भी है, अपनी सिलेबस में नहीं है. तो कॉर्डेटा, कॉर्डेटा जो है दो डिविजन्स में सेपरेट करा गया है, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. प्रोटोकॉर्डेटा क्या होते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो ऑल स्टेजेस में प्रेजेंट नहीं होती. जो लाइफ साइकिल है, लाइफ जो भी स्टेजेस हैं उनकी कंप्लीट स्टेजेस में नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं होती. प्रोटो का मीन्स क्या होता है बेटा? प्रिमिटिव. प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या ओल्ड. ठीक है, प्रिमिटिव या ओल्ड. ठीक है, तो प्रोटोकॉर्डेट क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म एनिमल्स होते हैं जिनकी ऑल लाइफ स्टेजेस में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोटोकॉर्डेट. और अगर नोटोकॉर्ड किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऑल स्टेजेस में प्रेजेंट है ना लाइफ साइकिल में, तो दीज आर नोन एज वर्टिब्रेटा. फिर वर्टिब्रेटा में साइक्लोस्टोमेटा अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट. वर्टिब्रेटा में साइक्लोस्टोमेटा है, पाइसेस है ना, एम्फीबिया है, एव्स है, रेप्टिलिया, एव्स, मेमिलिया, ये अपन पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा में. ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कॉर्डेटा में प्रोटोकॉर्डेटा एंड देन वर्टिब्रेटा. तो प्रोकॉर्डेटा जो है वो है प्रोटोकॉर्डेट सबसे पहले. तो टुडेज टॉपिक इज प्रोटोकॉर्डेट. बात समझ में आ गई? बुक में भी है, मैं आपको बात करवा दूंगा. और अब जो अपन नोट्स कर रहे हैं ना बेटा वो एनसीईआरटी टेक्स्ट में से ही कर रहे हैं अपन, है ना? तो आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट है ना, तो आप उसमें से कर लेना. जो भी अभी फाइलम चल रहे हैं ना एनिमल किंगडम के, वो एनसीईआरटी में से ही कर रहे हैं. तो एनसीईआरटी में से डायग्राम बनाने हैं आपको, एनसीईआरटी में से नोट्स बनाने हैं. चलिए, प्रोटोकॉर्डेटास क्या होते हैं देखिए. सबसे पहले प्रोटोकॉर्डेटा जो होते हैं वही बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिमेट्री होती है बायलेटरल, तीनों जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं, लेयर्स हैं, उनसे कंप्लीट बने होते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक, दीज आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव ए सिलोम, और इनमें सिलोम भी प्रेजेंट होती है. ठीक है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं ऑर्गेनिज्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड हैव अ सिलोम, और इनमें सिलोम प्रेजेंट होती है. नया फीचर है बॉडी डिजाइन का. इन एडिशन दे शो अ न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिजाइन नोटोकॉर्ड. ठीक है, सब इनके अलावा, इनके एडिशन के अलावा एक नया ऐड और होता है फीचर, वो होता है नया बॉडी डिजाइन, वो होता है नोटोकॉर्ड. क्या होती है? नोटोकॉर्ड. एट अ लीस्ट एट सम स्टेजेस ड्यूरिंग द लाइफ, कोई भी स्टेजेस में प्रेजेंट होने चाहिए. अगर ओल्ड स्टेजेस में प्रेजेंट है तो वो वर्टिब्रेटा है. ठीक है, नोटोकॉर्ड. और कुछ स्टेजेस में ही प्रेजेंट है तो वो क्या है? प्रोटोकॉर्डेटा. ठीक है, नेक्स्ट है नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर क्या है. नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रोड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर. नोटोकॉर्ड जो होती है एक रोड लाइक लॉन्ग सपोर्टिव स्ट्रक्चर होती है दैट रन्स अलोंग द बैक.
जो बैक साइड होती है डोर्सल सर्फेस पे होती है ऑफ द एनिमल एंड सेपरेटिंग द नर्व टिश्यूज फ्रॉम द गट, जो नर्व टिश्यूज को गट से क्या करती है सेपरेट करती है। ठीक है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर है नर्व कॉर्ड, आप समझते हैं ना, ये पीछे वाली जो बैकबोन होती है नर्व कॉर्ड है ना, न्यूरल कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड डोर्सल सर्फेस पे प्रेजेंट होती है, डोर्सल सर्फेस पे, और नर्व टिश्यूज को डिफरेंशिएट करती है, सेपरेट करती है फ्रॉम द गट। ठीक है, नेक्स्ट जो फीचर है, दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट ऑल स्टेजेस इन देयर लाइफ्स। प्रोटोकॉर्डेट की ही बात कर रहे हैं अपन, कि सारी स्टेजेस में, लाइफ स्टेजेस में प्रोटोकॉर्ड की वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, प्रॉपर ढंग से नहीं प्रेजेंट होती है, इसके लिए उनको प्रोटोकॉर्डेट बोला जाता है। ठीक है, दे आर मैराइन, ये मैराइन वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है बैलेनोग्लॉसिस, हर्डमानिया एंड एम्फीऑक्सिस, हर्डमानिया, एम्फीऑक्सिस एंड बैलेनोग्लॉसिस। तो नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होती है, कुछ स्टेजेस में नहीं होती है, इसे इनको प्रोटोकॉर्डेट कहते हैं। बायोलैटरली सिमेट्रिकल लगते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और उनमें सिंड्रोम भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट के बाद में अपन पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा। ठीक है, देखिए सेकंड जो है ना, कॉर्डेटा में सेकंड है, प्रोटोकॉर्डेटा पढ़ लिया था अपन ने, सेकंड जो है वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा क्या होते हैं, कि जो प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ऑल देयर लाइफ स्टेजेस, सारी लाइफ स्टेजेस में प्रॉपरली नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए वर्टिब्रेटा, दे हैव अ ट्रू वर्टिब्रल कॉलम, ट्रू वर्टिब्रल कॉलम और नोटोकॉर्ड। ठीक है, इनमें ट्रू वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है एंड इंटरनल स्केलेटन, और एनिमल्स के अंदर आउटर स्केलेटन प्रेजेंट नहीं है, इंटरनल स्केलेटन वो प्रेजेंट होता है विद द बोन्स, और बोन्स के साथ क्या अटैच होते हैं, मसल्स, एंड अटैच मसल्स पार्ट्स फॉर द मूवमेंट, और जिसकी वजह से इंटरनल स्केलेटन है वो मसल से कनेक्ट रहता है, अटैच रहता है, जिसकी वजह से मूवमेंट्स करते हैं ये ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वर्टिब्रेटा में। इसके बाद दे है वो बायोलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है, बायोलेटरली में सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं, सेगमेंटेड भी होते हैं। ठीक है, बायोलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, सिलोम प्रेजेंट होती है, और सेगमेंटेड, कुछ सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावा जो सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें कुछ फीचर्स, की फीचर्स बोल सकते हैं अपन, वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हैव ए नोटोकॉर्ड, सारी लाइफ स्टेजेस में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, डोर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, डोर्सल मींस कि पीछे वाली साइड में, मैंने बताया था आगे वाली जो साइड होती है वो वेंट्रल साइड होती है, एंड देन पीछे वाली साइड क्या होती है, डोर्सल। तो हार्ट प्रेजेंट होता है ऑन द वेंट्रल सर्फेसेस, और नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है ऑन द डोर्सल सर्फेस। ठीक है, दे हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस की तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। पेयर्ड गिल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, गिल पाउचेस जो हैं वो पेयर्ड होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं, एक पेयर में होते हैं। फिर सिलोमेट्स होते हैं, इनमें सिलोम प्रेजेंट होती है। तो कुछ की फीचर्स हैं, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड डोर्सल होती है, और इनमें गिल पाउचेस, ये तीन फीचर हैं वो सारे नोटोकॉर्ड जो हैं या सारे कॉर्डेट जो होते हैं, वर्टिब्रेट जो होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है 6 क्लासेस में, वो अपन पढ़ेंगे, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, देन एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एव्स एंड मेमेलिया, वो अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, उनके बारे में भी अपन को पढ़ना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।